अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट, इन सब का मीनिंग होता है के सामने, बट वे नहीं समझ पाते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स वर्ड अपोजिट का मतलब होता है के सामने या के उल्टा, और इस वर्ड का यूज तब करना है जब दो लोग इस तरह से आमने सामने हो जो एक दूसरे को देख सकें। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ दो लोग इस तरह आमने सामने हैं कि वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप वर्ड अपोजिट का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर लिखा आम अपोजिट यू तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि हम दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस तरह आमने सामने हैं कि मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप भी मुझको देख पा रहे हैं। और यही कंडीशन बिफोर के साथ भी है, यानी जहां आप अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं वहां पर आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है कि दो लोग ऐसे खड़े हैं जो एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर हम बात अहेड ऑफ की करें तो अहेड ऑफ का मतलब होता है कि सामने, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे नहीं होते कि वो एक दूसरे को देख सकें, बल्कि वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसा कि हम एटीएम मशीन के सामने या टिकट विंडो के सामने खड़े होते हैं, हमारे सामने कोई और तो होता है बट हम उसको देख नहीं सकते, यानी उसका चेहरा मेरी ओर नहीं रहता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो अगर कोई कहे आई एम अहेड ऑफ यू तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, बट हमारा पोजीशन कुछ ऐसा है कि हम दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है बट हम उसको देख नहीं सकते। और अगर बात हम इन फ्रंट ऑफ की करें तो इन फ्रंट ऑफ का यूज आप दोनों कंडीशन में कर लेते हैं। यानी अगर कोई आदमी आपके सामने ऐसे है जैसा कि आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, दोनों सूरत में आप इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपोजिट और अहेड ऑफ दोनों के जगह पर आप इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि चारों वर्ड्स आपको आसानी से समझ में आया कि इन सभी का मतलब होता है के सामने, लेकिन बिफोर या अपोजिट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब दो लोग ऐसे खड़े हो जो एक दूसरे को देख पाए। वही अहेड ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब आपके सामने वाला इंसान आप ही के डायरेक्शन में देख रहा है, यानी उसका फेस आपकी तरफ नहीं है बल्कि जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो भी देख रहा है। जबकि इन फ्रंट ऑफ का यूज आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।